वेलकम बैक माय फूडीज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुकी फाइट विद रानी में। लग रहे हैं ना बाजार जैसे, दिल्ली के फेमस राम लड्डू घर पर कैसे बनाएं? चलिए मैं आपको बताती हूँ, आइए शुरू करते हैं। एक कप मैंने चने की दाल ली है और आधा कप मैंने मूंग की धुली दाल ली है। 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसे पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, ये देखिए यहाँ दाल भीग चुकी है। चटनी बनाने के लिए मैंने हरी मिर्च ली है, अदरक ली है, धनिया पत्ते लिए हैं, मूली के पत्ते लिए हैं, सूखा हुआ पुदीना लिया है, आपके पास फ्रेश है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू लिया है खट्टा करने के लिए और नमक लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ राम लड्डू के लिए बना रही हूँ चटनी। जार में मैं धनिया डाल दूंगी, फिर मूली के पत्ते डालूंगी, कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी, पुदीना, अदरक का टुकड़ा, नींबू का रस और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डालकर आप मिक्सर को चला लेंगे और बारीक पीस लेंगे। चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। दाल को हम जार में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर दाल को हम दरदरा पीसेंगे। इसी तरह दाल को दरदरा पीसकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक पेस्ट को बर्तन में निकाल देंगे, उसमें नमक और हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल के पेस्ट को हाथ से ही अच्छे से फेंटें, हाथ से अच्छा और कोई बीटर हो ही नहीं सकता। अब एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल देंगे और उसे अच्छे से तेज गर्म होने देंगे। अब पानी में डालकर पेस्ट को चेक करें कि ये अच्छे से तैयार हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये ऊपर आ चुका है, हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। एक एक करके अब लड्डूओं को गर्म तेल में डालेंगे। लड्डूओं को हम मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे। एक बार फ्राई करके हम लड्डूओं को बाहर निकाल लेंगे। अब हम यहाँ मूली को छील लेंगे। मूली जमीन के अंदर मिट्टी में होती है, इसलिए मूली को अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। मूली को हम कद्दूकस से मोटी साइड से घिस लेंगे।
जब आप मार्केट में जाते हो राम लड्डू खाने तो वो भी दो बार फ्राई करते हैं, तो हम भी यहाँ दो बार फ्राई करेंगे। यहाँ सारे लड्डू फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी हुए हैं। अब हम लड्डुओं को प्लेट में रख देंगे, उसके ऊपर मूली डालेंगे, मूली में से पानी निकाल देंगे। अब बारी है हरी चटनी की, वो भी उस पे हमने डाल दी है। देखिए यहाँ राम लड्डू बनकर हो गई है तैयार। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।